गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम रवीना शेखावत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पार्किंग फ्यूचर अस शेखावत बैंकर्स। फ्रेंड्स, एज ऑलवेज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर सेशन। अगर आपको ये करंट अफेयर सेशन अच्छा लगे देन प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल। हमारा आज का पहला क्वेश्चन, श्रम मंत्री ने कितने राज्यों में आयुष्मान भारत PMJAY के साथ ESI योजना का शुभारम्भ किया है? इसके ऑप्शन हैं 9, 8, 4, 3। इसका राइट आंसर है 4। श्रम मंत्री ने 4 राज्यों में आयुष्मान भारत PMJAY के साथ ESI योजना का शुभारंभ किया है। 10 मार्च 2021 को श्रम और रोजगार राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने 4 राज्यों के 113 जिलों में आयुष्मान भारत PMJAY प्रधानमंत्री जन जागरण योजना के साथ ESI कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अभिसरण का भी शुभारम्भ किया है। और वो 4 राज्य हैं छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इसका उद्देश्य है चिकित्सा देखभाल तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना। इसके अलावा आयुष्मान भारत PMJAY स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2018 में भारत सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के एक भाग के रूप में लॉन्च की गई थी, जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी थी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इसका लक्ष्य है भारत में 50 करोड़ लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक मुफ्त पहुँच प्रदान करना। ESIC चेयरमैन है संतोष कुमार गंगवार, जो कि श्रम और रोजगार के राज्य केंद्रीय मंत्री हैं और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, ECG और फिक्की द्वारा जारी इंडिया फिनटेक $100 billion अपॉर्चुनिटी के अनुसार भारत फिनटेक सेक्टर के 2025 तक कितने बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है? इसके ऑप्शंस हैं 120 से 140 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 150 से 160 अमेरिकी बिलियन अमेरिकी डॉलर, 190 से 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 100 से 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर। इसका राइट आंसर है 150 से 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर। BCG और फिक्की द्वारा जारी इंडिया फिनटेक $100 billion अपॉर्चुनिटी के अनुसार भारत फिनटेक सेक्टर में 2025 तक 150 से 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री BCG बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, इसके CEO हैं रिच लेसर, चेयरमैन है और एशिया प्रशांत क्षेत्र के MD हैं नीरज अग्रवाल। इसका हेडक्वार्टर बोस्टन USA में है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, हर्थ फेस्टिवल कौन से राज्य में मनाया जाता है? इसके ऑप्शन हैं लद्दाख, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, केरल। इसका राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर। सॉरी, ये केंद्र शासित प्रदेश है। हर्थ मीन्स चूल्हा, ये एक फेस्टिवल है जो कि जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है। 3 दिवसीय यहाँ पर शिवरात्रि त्यौहार, जिसे स्थानीय रूप से हर्थ या चूल्हा त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा और प्रथम उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू और इसकी राजधानी श्रीनगर और शीतकालीन है जम्मू। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा श्रीनगर में प्रतिवर्ष आयोजित भी की जाती है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में तरुण कुमार ने अपनी तरह के भारत ऊर्जा कार्यालय का उद्घाटन किया है? इसके ऑप्शन हैं फ्रांस, इजराइल, रूस, USA। इसका राइट आंसर है रूस। रूस में तरुण कुमार, जो कि क्या है, ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव हैं। इन्होंने मॉस्को में रूस के लैंडमार्क फेडरेशन टावर में अपनी तरह का पहला भारत ऊर्जा कार्यालय का उद्घाटन किया है। भारत की शीर्ष 5 प्रतिष्ठित तेल कंपनियां ONGC, इंडिया ऑयल, गेल, इंडिया ऑयल लिमिटेड और इंजीनियर इंडिया लिमिटेड इसका उपयोग एक आम मंच के रूप में ऊर्जा क्षेत्र में क्रॉस निवेश का विस्तार करने के लिए करेंगे। भारत दुनिया में 3रा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। और एक इम्पोर्टेंट नोटिस, रूस भारत का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान और सचिव हैं तरुण कुमार। इसके अलावा रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, राजधानी है मॉस्को और मुद्रा है रूबल। इसके अलावा लेना नदी रूस की सबसे लंबी नदी है और ट्रांस साइबेरियन रेलवे दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन,
ब्रिक्स की पहली बैठक आर्थिक और व्यापार मुद्दों पर बैठक आयोजित हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की? इसके ऑप्शन है ब्राजील, चीन, रूस, भारत। इसका राइट आंसर है भारत। ब्रिक्स की पहली आर्थिक और व्यापारी मुद्दों पर बैठक आयोजित हुई, इसकी अध्यक्षता भारत ने की है। 9 से 11 मार्च 2021 तक आयोजित हुई। इसकी थीम थी ब्रिक्स एट द रेट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी कंसोलिडेशन और कॉन्सेंस। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई। सदस्य हैं ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली पुस्तक मेले 2021 के 29वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? इसके ऑप्शन हैं प्रहलाद पटेल, रविशंकर प्रसाद, रमेश पोखरियाल निशंक, स्मृति ईरानी। इसका राइट आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली पुस्तक मेले 2021 में 29वें संस्करण का उद्घाटन किया है। इसकी थीम थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इस कार्यक्रम में यूके, यूएस, यूएई, चीन, फ्रांस, ईरान, नेपाल, श्रीलंका, इटली सहित 15 देशों ने हिस्सा लिया। विश्व किडनी दिवस 2021। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, विश्व किडनी दिवस 2021 कब मनाया गया? इसके ऑप्शन हैं 10 मार्च, 11 मार्च, 12 मार्च, 13 मार्च। इसका राइट आंसर है 11 मार्च। 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस 2021 मनाया गया। 2021 को लिविंग वेल विद किडनी के रूप में मनाया गया। इसकी थीम थी हर जगह हर किसी के लिए किडनी स्वास्थ्य, किडनी रोग के साथ अच्छी तरह से रहना। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये करंट अफेयर्स सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।